एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो हाथ हैं उसके ऊपर हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स और उनके पॉइंट बने होते हैं। हमारे हाथ की उंगली में भी हाथ और पैरों के करस्पोंडेंस होते हैं और इन पर जब प्रेशर दिया जाता है तो हमारे ऑर्गन्स में स्टिमुलेशन हो जाता है जिससे एनर्जी का सर्कुलेशन सही प्रकार से होने लगता है और शरीर में आने वाली बीमारियों का सफलता से निदान हो जाता है और ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो हाथों पर इस मशीन के द्वारा किस प्रकार पॉइंट्स को प्रेशर मिलता है, स्टिमुलेट होते हैं, वो आज आपको इस मशीन के द्वारा दिखाते हैं। इस मशीन का नाम है ब्यूटीफुल हैंड गार्ड। तो इससे किस प्रकार हाथों की मसाज होगी वो आपको दिखाते हैं। तो इसको खोलते हैं बॉक्स को और इस बॉक्स में खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक ये इसका एडॉप्टर निकलता है जिससे इसमें सप्लाई दी जाएगी। तो ये एडॉप्टर सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाएगा और इसमें से ये एक डिवाइस निकलेगी और इसको हम इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इस डिवाइस में यहाँ पर बटन बने हुए हैं, इस डिवाइस को आप देख पा रहे हैं। ये डिवाइस हैंड गार्ड डिवाइस है और एक्यूप्रेशर के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे हाथ की हथेली पर ये दोनों हमारे दोनों हाथों के कॉरेस्पोंडेंस हैं और ये दोनों लेग के कॉरेस्पोंडेंस हैं। ये हथेली है और ये लंग्स के कॉरेस्पोंडेंस और बीच में ये हमारा स्टमक छोटी स्टमक होता है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आती हैं। तो इस प्रकार से इस हाथ पर सभी ऑर्गन बने होते हैं और यहाँ लीवर होता है, इधर स्प्लीन और ये लंग्स होते हैं, यहाँ पर हार्ट होता है और ये हमारे गले का कॉरेस्पोंडेंस है, यहाँ पर ये चेहरे का और इसी प्रकार से ये कमर का भाग पीछे का स्पाइन का भाग है। तो इस हाथ में जब हम प्रेशर देते हैं इस प्रकार से तो ये मैनुअल होता है, लेकिन इस डिवाइस के द्वारा कोई भी घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग घर में कोई भी कर सकता है और इसमें प्रेशर लगता है और इसमें हीटिंग भी होती है और इसको दो प्रकार से चलाया जा सकता है।
यहाँ पर ये एक दो डबल ए टाइप के सेल लगते हैं और इसमें आप इसको सेल डाल के भी चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसके साथ आए हुए एडॉप्टर के द्वारा भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो एडॉप्टर का जो पिन है, ये एडॉप्टर की पिन है और इस पिन को इस मशीन में इस जगह पर लगाया जाता है। यहाँ पर ये होल दिखाई दे रहा है एसी इन, तो ये यहाँ पर एडॉप्टर लगाया और एडॉप्टर लगाते ही यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो इस लाइट के ब्लिंक करने से ये काम करने के लिए ऑन है। अब इसमें ये ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ बटन है यहाँ पर। इस ऑन ऑफ बटन को हम इस प्रकार से दबाएंगे तो इसमें ये टाइमर आता है यहाँ पर। इस टाइमर को 5 मिनट का है, आप चाहें तो इसे 10 मिनट या 15 मिनट भी कर सकते हैं और एक बार दबाएंगे तो फिर ये 5 मिनट पर पहुंच जाता है। इस प्रकार 3 मोड टाइमर के हैं। यहाँ पर ये प्रेशर का मोड है, प्रेशर कितना देना है हाथों पर। तो इसमें 3 मोड हैं, ये 1, 2, ये लाइट वाला हल्का मोड है, हल्का प्रेशर देगा। दूसरी बार दबाएंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा और तीसरी बार में और ज़्यादा प्रेशर हाथों पर आएगा। जहाँ पर भी आप सेट करना चाहें वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इधर ये हीट लिखा हुआ है, तो इस बटन को जब दबाएंगे तो यहाँ से ये दबाते हैं तो ये हीट आने लगती है हाथों में और सिकाई होने लगती है। हाथों में जकड़न हो या ठंड ज़्यादा लग रही हो और हाथ जकड़ गया हो और हाथों में सुन्नपन आ गया हो तो वहाँ पर ये हीट भी आप लगा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ज़्यादा हीट चाहिए तो इसको एक बार और दबा देंगे तो ये और ज़्यादा हीट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसके ऊपर डीकम्प्रेशन लिखा हुआ है, यदि अचानक लगता है कि भाई हाथ जो है दब रहा है ज़्यादा, तो या फिर आपको वो आपको लग रहा है कि मुझे हाथ पर प्रेशर कम करना है, तुरंत बंद करना है, तो आप डीकम्प्रेशन बटन दबाकर स्पीड हाथ को फ्री कर सकते हैं। तो अब इसमें किस प्रकार से, यहाँ पर ये इसमें हाथ के लिए ये स्थान है और यहाँ पर ये पूरा हाथ डाला जाता है। ये इस प्रकार से ऑन करने के बाद इसमें ये यहाँ पर हाथ चला जाएगा आपका और ये मशीन ऑन हो चुकी है। अब हाथों पर प्रेशर आ रहा है, अब ये हाथ पूरा दब चुका है यहाँ पर और प्रेशर पड़ रहा है हाथों पर। आप अभी इस समय हाथ को अपने निकाल नहीं सकते क्योंकि हाथ पर एयर प्रेशर आ चुका है और इसको हाथ को निकालेंगे तो ये मशीन आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं डीकम्प्रेशन बटन से कि मैं हाथ को फ्री करूं, तो ये तुरंत आपका हाथ यहाँ से फ्री हो सकता है और इसको फिर दोबारा लगा सकते हैं तो ये फिर दोबारा अपने आप ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अब हाथ को आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ये प्रेस हो चुका है पूरा, अब निकल भी नहीं सकता इस तरीके से, तो आप ये निकाल नहीं सकते, मशीन खिसकेगी पूरा। अगर आपको निकालना है अचानक तो डीकम्प्रेशन बटन दबाना होता है, तब आप इस हाथ को निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। लेकिन फिर दोबारा अगर आपको करना है तो फिर आप ये रखेंगे। इसमें इस प्रकार का प्रेशर होता है और यदि हीट चाहिए आपको तो आप हीट बटन दबा सकते हैं, इससे हाथों पर गर्मी भी महसूस होने लगती है और इसमें हथेलियों पर प्रेशर अच्छा पड़ता है, दबाया जाता है ऊपर और नीचे से, तो कमर का भी प्रेशर हो जाता है, स्पाइन का भी हो जाता है और हमारे हाथों का, पैरों का जो करस्पोंडेंस उंगलियों में, उनका भी प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा जो है प्रेशर पॉइंट देने का माध्यम है। जहाँ पर कोई दूसरा प्रेशर देने वाला ना हो हाथों पर, या जो बुजुर्ग लोग हैं घर में वे अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने अंगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, या किसी को हाथ सुन्न हो गया है या झंझनाहट आती हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या हाथ पैरों में झंझनाहट आती हो, तो उनको ये प्रेशर बहुत अच्छा देता है और यहाँ से हीट को बढ़ा भी सकते हैं आप और इसको बंद भी कर सकते हैं। ये टाइमर है, 4 मिनट यहाँ दिखा रहा है कि अभी बैलेंस है और ये प्रेशर ज़्यादा देना कम देना यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मेरी इस समय उंगलियों को प्रेशर दे रहा है और इसमें ऑटोमेटिक रूप से उंगलियां, हथेली, साइडें, इधर उधर ये प्रेशर देता रहता है। तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है जिसके द्वारा आप उंगलियों के एक एक जोड़ पर प्रेशर आसानी से दे सकते हैं और
जोड़ों के दर्द में, उंगलियों के जोड़ों के दर्द में या पैरों के जोड़ों के दर्द में अच्छा आराम इससे प्राप्त होता है। तो अब आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ये ऑन ऑफ स्विच दबा सकते हैं और इससे ये हाथ आपका निकल जाता है। तो इस हाथों में जितने भी पॉइंट होते हैं, अब आप इस हाथ को मैं आपको पलट के दिखाता हूँ हथेली की तरफ से, तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि मेरे हाथों पर जितने पॉइंट थे उन सब पर निशान आ चुके हैं पूरे। तो इसने इस प्रकार से एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट, सभी पॉइंट्स को इसने मसाज किया है और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अंगूठे में भी। तो ये पूरे हाथ की और पूरे पीछे सब जगह एक एक पॉइंट को दबा देता है। तो इस तरीके से आप सरलता से इसके द्वारा एक एक पॉइंट की स्टिमुलेटिंग कर सकते हो और हाथ को बड़ा आराम इसमें महसूस होता है और इससे पूरी बॉडी का मसाज हो जाता है। एक एक कॉरेस्पोंडेंट पर जाकर ये इलाज हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में आपको इस मशीन के बारे में बताया गया। अब आपके आगे की वीडियो में ये मशीन एक बार फिर देख लीजिए और इसको नीचे से देखें तो इस प्रकार से होती है ये बैटरी का, या दो सेल डलते हैं इसमें, दो बैटरी डलती हैं डबल ए साइज की और इसको वाइब्रेशन ना हो इसलिए ये चारों तरफ रबड़ के पीस लगे हुए हैं और इसमें ये हाथ देने का स्थान होता है जहाँ पर आप हाथ रखते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ऑटोमेटिक मशीन है, प्रोग्रामिंग हुई भी है इसके अंदर बहुत अच्छा, और इसके द्वारा आप ये बहुत अच्छा इफेक्ट ले सकते हैं अपने प्रेशर पॉइंट को दबाने में। इस मशीन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ करनी हो तो आप हमारी स्क्रीन पर आए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मशीन यदि आप पर्सनल यूज में ले रहे हैं तो आप अपने घर में यूज ले सकते हैं जैसे अभी आपको दिखाया गया। यदि आपको अपने क्लिनिक पर ये मशीन रखनी है और वहाँ पर आजकल के कोरोना के युग में अलग अलग प्रकार के पेशेंट भी आ सकते हैं तो आप चाहते हैं कि सुरक्षा बनी रहे, तो उसके लिए आप इस प्रकार के ग्लव्स जो हैं ये डिस्पोजल ग्लव्स आते हैं जिनको आप मार्केट से सरलता से खरीद सकते हैं और इसको आप जो भी रोगी आए तो उसको इस प्रकार से आप पहना दें और उसका हाथ इस मशीन में इस प्रकार से डालें और जब वो उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो जाए तो इन ग्लव्स को उठाकर आप निकाल के डस्टबिन में डाल दें और जब भी कोई नया मरीज आए तभी वो नए ग्लव्स उसके हाथ पर आपको पहनाकर ही इसमें ट्रीटमेंट देना है जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा भी ना रहे। तो ये सावधानी बरतनी है थोड़ी सी आपको। और कोरोना काल के अतिरिक्त भी आप इसमें ग्लव पहनकर ही रोगी का ट्रीटमेंट करें और इससे सुरक्षा बनी रहेगी और मशीन भी साफ रहेगी आपकी। तो आप इन ग्लव्स का प्रयोग, डिस्पोजल ग्लव का प्रयोग हर मरीज के साथ हर बार नए ग्लव्स लें और ये बहुत सस्ते आते हैं जिनका लिंक भी इस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।